गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जो प्रैक्टिकल में आपके म्यूजियम स्पेसिमेन की स्टडी है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एनिमल जो है एसीडिया, इसे हार्डमानिया भी कहते हैं, सी स्क्वर्ट भी कहते हैं, और देखा जाए तो ये इस तरह का दिखाई देता है एसीडिया। एसीडिया जो एनिमल है ये, इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें, फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा में इसे क्यों रखा गया है, क्योंकि ये इसमें मिड डोर्सल सपोर्टिंग रोट लाइक नोटोकोर पाई जाती है, या तो ये है जो जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें जो लार्वा होता है टेडपोल लार्वा, उसमें ये नोटोकोर पाई जाती है। सेकेंड कैरेक्टर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की उपस्थिति। तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट्स की उपस्थिति। सब फाइलम एक्रेनिया। एक्रेनिया में क्यों रखा है, क्योंकि नोटोकोर इज परसिस्टेंस एंड नोट रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम एंड स्कल क्रेनियम, हैंस नेम एक्रेनिया। यानी कि इनमें क्रेनिया जो स्कल होता है वह रिप्लेस्ड नहीं होता है, मतलब इसमें कि अक्रेनिया यानी कि क्रेनियम नहीं पाया जाता है। क्लास यूरोकोर्डेटा, इसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। नोटोकोर्डेटा कन्फाइंड ओनली टू द टेल रीजन हैज द नेम यूरोकोर्डेटा। यूरो मीन्स टेल रीजन, कोर्डेटा नोटोकोर्ड, यानी कि इन जंतुओं में टेल रीजन में नोटोकोर्ड पाई जाती है। जनरली कोर्डेट कैरेक्टर अकर ओनली इन द फ्री स्विमिंग लार्वा एंड आर लॉस्ट इन द एडल्ट। इनके जो लार्वा होते हैं उनमें ही ये कोर्डेट्स कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, और जो अडल्ट होते हैं उनमें ये लॉस्ट हो जाते हैं। इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। Adult body is covered by a tuft of tunic and hand also named the tunicata. इसी कारण से इसे tunicata कहते हैं, क्योंकि इनकी जो body होती है वह covered होती है tunicin नामक आवरण से, जिसे tunica भी कहा जाता है। Order is Acidiacea, यानी कि ये जंतु solitary and colonial sessile marine form में पाए जाते हैं। इनमें फेरिंग्स लार्ज एंड बियर्स नुमेरियस गिल पोर्स और स्टिगमेटा विच ओपन इनटू एन एक्सियल कैविटी विच इन टर्न ओपन इन द मेंटल बाय मीन्स ऑफ ए लार्ज सिंगल एक्सियल अपर्चर। थर्ड ओरल माउथ और ब्रेंकियल एंड एक्सियल अपर्चर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। जीनस इज एसीडिएसिया। एसीडिया सॉलिट्री एंड सेडेंट्री एसीडियन फाउंड ऑन यूरोपियन कोस्ट। बॉडी एबलोंग एंड इनक्लोज्ड इन ए टेस्ट ऑफ ट्यूनिसिन। ब्रेंकियल अपर्चर एट लोब्ड एंड एट्रियल अपर्चर सिक्स लोब्ड लोकेटेड ऑन ब्रेंकियल एट्रियल साइफन। ये देखिए यहाँ पर इसमें ब्रेंकियल एंड एट्रियल, ये एट्रियल साइफन, ये ब्रेंकियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन टर्मिनल होता है। फारेंजियल वॉल स्मूथ एंड डिवोइड ऑफ फोल्ड्स। डेवलपमेंट इंक्लूड्स रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अगर स्ट्रक्चर देखें तो यह जो टर्मिनल एंड होता है एंटीरियर एंड ब्रेंकियल अपर्चर, एंड साइड में ये एट्रियल अपर्चर पाया जाता है, और ये अपर्चर एट्रियल और ब्रेंकियल साइफन द्वारा घिरे हुए होते हैं, और पूरी बॉडी टेस्ट ऑफ ट्यूनिक के द्वारा घिरी हुई होती है, आवरित होती है। नीचे बेस और फुट पाया जाता है। ये जो होते हैं पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट स्पेसिमेन इज टॉर्पीडो। ये आपके यहाँ पर कॉलेज में भी उपलब्ध हैं। टॉर्पीडो पिसेज में पाए जाने वाला जंतु है। टॉर्पीडो को और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। अगर टॉर्पीडो का क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम
कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास मेथोस्टोमेटा, सीरीज पिसीज, क्लास कॉन्ड्रिथीज होती है। सब क्लास इलेस्मोब्रेंकियाई एंड ऑर्डर हाइपोट्रीमेटा। टॉर्पीडो जो फिश होती है इसमें गिल स्लिट्स वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं, पेक्टोरल फिन फ्यूज्ड विद लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। जीनस इन टॉर्पीडो मेराइन प्रेजेंट इन द इंडियन एंड एटलांटिक ओशियन। कॉमन इंडियन स्पीसीज इज टॉर्पीडो मोर मोराटा। सेकेंड पॉइंट इज एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड राउंड होती है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड राउंड। द पोस्टियर हाफ इज कंटिन्यूअस एज ए नैरो ट्रंक एंड टेल। थर्ड पॉइंट द आईज एंड स्पाइरेकल आर डोर्सल बट माउथ नॉस्ट्रिल एंड फाइव पेयर ऑफ गिल क्लेफ्ट आर वेंट्रल। द पेक्टोरल फिन आर फ्यूज्ड विद द ब्रॉड हेड एंड द नैरो पोस्टीरियर एंड हैज लैटरल पेल्विक एंड स्मॉल मीडियन अनपेयर्ड। यानी कि इसमें टू डोर्सल, टू वेंट्रल एंड वन कॉडल फिन अनपेयर्ड पाया जाता है। द मसल बिटवीन द आईज एंड पेक्टोरल फिन आर मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस ए पेयर ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑर्गन। द ऑर्गन आर यूज्ड फॉर पैरालाइजिंग बाय इलेक्ट्रिक शॉक द प्रे एंड एनिमी। द बॉडी इज स्मूथ एंड डिवॉइड ऑफ स्केल। यहाँ पर आपको टॉर्पीडो फिश का स्पेसिमेन दिखाया जा रहा है। देखिए इनमें पेक्टोरल, पेल्विक फिन एंड कोडल फिन पाया जाता है और एंटीरियर एंड पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं। बॉडी देखिए इसकी तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड दिखाई दे रही है एंड पोस्टीरियर हाफ इज कंटिन्यूअस एज ए नैरो ट्रंक एंड टेल रीजन। एंटीरियर जो रीजन होता है वह फैला हुआ होता है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। इनमें आईज एंड स्पाइरेकल डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है एंड जो माउथ नोस्ट्रिल होते हैं वह वेंट्रल सरफेस पर होते हैं। ये वेंट्रल सरफेस पर नोस्ट्रिल पाए जाते हैं। फाइव पेयर ऑफ गिल क्लेफ्ट इसमें पाए जाते हैं।